बहुत ही ज़बरदस्त, परफेक्ट और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है पोटैटो ट्रायंगल्स की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत जल्दी से बनने वाले ये स्नैक्स हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने बॉयल करके, ठंडा करके मैश कर लिया है अच्छे से। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है चावलों का आटा। ये मैं इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि इससे बड़े क्रिस्पी बनते हैं ये। 1 अदद चाहिए है हमें अंडा, ये हमें चाहिए है। 3 से 4 टेबलस्पून लिया है मैंने मैदा। थोड़े से हमें चाहिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है नमक, नमक आप हंस पे ज़रूरत ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। 1/2 टीस्पून सूखी धनिया पाउडर। थोड़ी सी सब्ज़ धनिया, 2 से 3 टेबलस्पून आप कह सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बाउल लेंगे। इसके अंदर हम लोग ये मैश पोटैटो डाल देंगे और ये चावलों का आटा ऐड कर देंगे और ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हाथों की मदद से बड़े अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हम लोगों ने सब कुछ बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल सख्त होना चाहिए। इस तरह हम लोगों को चाहिए है। तो अब हम लोग इसकी ट्रायंगल्स जो हैं इसकी शेप दे लेते हैं। अगर आपको शेप देना मुश्किल लगे तो आप इस तरह बनाकर इसको ये देखें, इसको रफली आप बेल कर, तो इस तरह छुरी की मदद से आप साइडिंग्स के किनारे जो हैं इस शेप में काट सकते हैं। और इसी तरह हम लोग सारे ट्रायंगल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। देखें, बहुत आसान है। आप रफली सा इसको हाथ पे यूं फैलाएं और छुरी की मदद से इसको, ये देखें, बहुत आसानी से और बड़ा फटाफट से ये शेप बन जाती है। और इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखें, बहुत आसान, बड़ा इजी सा तरीका है। इसको थोड़ा सा फिर सेट कर लें और इस तरह आप ये सारे बनाकर रेडी कर लें। ये देखिए, ये सारे ट्रायंगल्स जो हैं बनकर रेडी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि तमाम ट्रायंगल्स को मैदे में डिप करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैदे में डिप करके हम लोग सारी ट्रायंगल्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये सारे ट्रायंगल्स जो हैं हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं। इसको हम लोगों ने ड्राई मैदा की कोटिंग कर ली है। अब हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे। इसको पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छे से डिप करने के बाद हम लोग इसको ब्रेड क्रम्स लगा देंगे और इसको इसी तरह पहले हम लोग सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये बनकर रेडी है। अब हम लोग इनको फ्राई करेंगे पैन में। ये देखें, घी गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम लोग इनको दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। इस तरह सारे डालते जाएंगे।
और दरमियानी आंच पर हम लोग इनको फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन करके उतारेंगे। अब हम लोग इनकी साइड्स बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। ये देखें, ठीक है व्यूअर्स, ये बड़े अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बने हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये हमारे पोटैटो ट्रायंगल्स। मैं आपको ये सारे निकाल लेती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स रेडी है हमारे मज़ेदार से पोटैटो ट्रायंगल्स, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट और क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।